गुड आफ्टरनून एवरीवन, वेलकम टू स्कैटर पेंटिंग क्लासेस। स्कैटर पेंटिंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हम फिर से आपके सामने एक बार लाइव आ चुके हैं। तो अब इसकी एक कलरिंग हमें स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए हम ये वाला की कलरिंग स्टार्टअप करते हैं। तो और कुछ लोग आ जाएं, उसके बाद फिर हम ये करेंगे, ठीक है। देखिए कितना अच्छा हुआ है ये। तो ये जैसे कि मैंने आप लोग को बताया था कि इसकी कलरिंग करने के लिए कौन सा कलर इस्तेमाल करें, तो बहुत से स्टूडेंट का मेरे पास में बाद में मैसेज आया कि सर इस पर ऑयल कलर कीजिए, ओके ना। तो इसको हमको अच्छा से कलरिंग करना है, तो अच्छा से कलरिंग करने के लिए हम ये एक लेते हैं पॉट और इसमें डालते हैं हम एमल्सन, ओके ना। ये एमल्सन हम इसके अंदर में डाल रहे हैं, ये। और इसमें हम डालेंगे पानी, इसको ज़्यादा पतला करना है, ओके। ये इसलिए हम कर रहे हैं, आप लोग के कमेंट्स नहीं आ रहे हैं, इसको अच्छा से मिक्स करना है। जूनाली जी वेलकम। इसको ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना है, पेंट को गाढ़ा नहीं करना है, नहीं तो इसके अंदर में जो टेक्सचर आ रहे हैं ना वो सब फिर छुप जाएंगे, ओके। तो छुपे नहीं, इसलिए हम इस पेंट को जो वाइट वाला है ना, इसको हम ज़्यादा पतला करेंगे कि ताकि इसके गैप में आसानी से आ जाए, ओके। इसकी वाइट कलरिंग करने की आवश्यकता ये कुछ ऐसा हुआ है, क्योंकि देखेंगे कि इधर साइड में हमारा कहीं कहीं पे ये दाग धब्बा दिख रहा है, ओके ना। तो इससे एक कोट एक बार पेंट हो जाएगा तो ये बिल्कुल वाइट दिखेगा, ओके। ये तो हम पहले इसके जो साइड वाला है ना वो हम पेंट पहले करेंगे। एक बार आप लोग वीडियो को शेयर कीजिएगा, ये जो हम पेंट जो कर रहे हैं ना वो ये है,
ये इमल्शन है, ओके। इमल्शन इसमें कहाँ लिखा हुआ है एक बार आप लोग को दिखाना ज़रूरी है ना, ये कि यहाँ पे इंटीरियर एक्रिलिक इमल्शन, ओके ना, बर्जर, नेरोलैक, डुलक्स, एशियन, किसी भी कंपनी का ले सकते हैं, ओके। मैंने यहाँ पे नेरोलैक का लिया है, इधर भी हम इसको थोड़ा सा इसको यहाँ पे इसका जो रास्ता आ रहा है ना, पूर्णिमा जी वेलकम, याद रहे कि पेंट को ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना है, ओके। ये पेंट को ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना है, ये पतला ही रखना है। बेस थोड़ा सा बेस अच्छा हो जाएगा ये वाला, ठीक है। ये पेंटिंग आपको चाहिए तो ले लीजिए, बट इसमें हमने थोड़ा सा जो मेहनत किया है उसका आप देख लीजिएगा, ओके। इसकी कलरिंग हम अच्छा से कर देंगे, इसकी कलरिंग अच्छा से करने के लिए ही हम इसके ऊपर में ये एक कोट वाइट मार रहे हैं, ओके। इसीलिए ये तो आपको पेंटिंग चाहिए तो हमसे कांटेक्ट कीजिएगा, बनाने के बाद आपको दे देंगे। यहाँ पे मत पूछिए, ओके ना, पैसे वाली बात है ना, हमेशा ये अकेले में करते हैं, छुप के करते हैं ना, दिखा करके नहीं करते हैं, है ना। हाँ, ये हम इमल्शन पेंट इस्तेमाल हम कर रहे हैं, ओके। ये ठीक है, अब यहाँ पे इसको थोड़ा सा और हम पतला करेंगे, ओके। ये थोड़ा सा मोटा था, इसको हम पतला करेंगे। पतला इसलिए कर रहे हैं कि ताकि जो इसके अंदर में जो ये सब जो गैप है ना, ये सब जो गैप है वो भरे नहीं, ओके, दिखे। मोटा करेंगे तो भर जाएगा, और ये गैप दिखना चाहिए, तभी तो पता चलेगा कि मैंने घास बनाया है कि क्या बनाया है, है ना। हाँ, इमल्शन पेंट एक बार और हम आप लोग को दिखा देते हैं, ये है कि ये वाला पेंट हमने इस्तेमाल किया है, ओके। ये इमल्शन है, ये अच्छा वाला है, ठीक है। इसका जो दाम की अगर बात करते हैं तो ये अच्छा वाला है पेंट है, ये देखिए 462 रेट है, बट ये हमको 400 का मिला है, ठीक है। एक इससे सस्ता भी आता है तो हम वो सस्ता वाला इस्तेमाल नहीं करते हैं, ओके। हाँ दीप्ति जी, हम इमल्शन यूज कर रहे हैं अभी, ये अब यहाँ पे हम इसको ये देखिए, इसको पेंट करने के लिए
थोड़ा सा पेंट को ज़्यादा पतला करना होगा तो ये अंदर तक जाएगा, इसीलिए हम इसको थोड़ा सा ये हम पतला ही लगा रहे हैं। ओके, ये ताकि इसके गैप में भी चला जाए। और इसको एंटिक कलर करना है। ओके, जो वाइट में ही आता ये निकल के, इसलिए हम इसको पहले वाइट कर रहे हैं। इसका बेस वाइट करने के लिए, अगर मान ये लीजिए कि हमको पत्ते में हमको ज़्यादा ग्रीन दिखाना है ना, या लाइट ग्रीन दिखाना है, तो ये ऑलरेडी ये डार्क है, तो इसके ऊपर हम तीन कोट भी करें, चार कोट भी करें ग्रीन ना, तो ये उभर के नहीं आएगा ग्रीन। बट वाइट के ऊपर में जब हम ग्रीन करेंगे ना, तो वो हल्का सा ही पेंट लगाएंगे तो उभर के आ जाएगा। ओके, बट इस पर ज़्यादा डार्क हमको ग्रीन बिल्कुल नहीं करना है। ओके ना, तो इसलिए हम इसको वाइट करते हैं। अब आया आपको समझ में? ये देखिए, ये अंदर तक आ गया। अब यहाँ पे बात आता है कि अगर हम इसको ये कल वार्निश और तारपीन तेल का घोल अगर नहीं लगाते कल, है ना, तो ये जैसे कि आपको पता है कि ये फेविकोल इसमें इस्तेमाल हो रखा है ना, तो जब इसमें फेविकोल इस्तेमाल हो रखा है तो वो, और अभी जो हम वाटर बेस इसमें जो लगा रहे हैं पेंट, आपस में घुल जाएगा, मर्ज हो जाएगा। ओके, वो क्योंकि फेविकोल में क्या है कि जैसे ही आप फेविकोल पे पानी डालते हैं तो वो एक्टिव हो जाना स्टार्ट हो जाता है। ओके, इसलिए इससे बचने के लिए हमने इसके ऊपर में पहले ये क्लियर वार्निश मैंने किया। ओके, ठीक, और इस पर हम एक कोड ही मारेंगे, डबल कोड इस पर बिल्कुल नहीं मारेंगे, एक कोड ही हमको चाहिए। हल्का सा वाइट ही करना था, ज़्यादा वाइट हमको करना नहीं है, तो एक कोड ही ठीक है। और अभी हम एक्रिलिक पेंट में पोर्ट्रेट की पेड क्लास लेकर के आ रहे हैं। अगर आप लोग को अगर क्लास ज्वाइन करना है तो ज्वाइन कर सकते हैं। ये देखिए, ये है हमारा, ये एक्रिलिक पेंट में यही पेंटिंग बनाना आप लोग को हम सिखाने वाले हैं। ओके ना, इसकी क्लास स्टार्ट हो रही है 23 अक्टूबर से। ओके, एक्रिलिक पेंट से, एक्रिलिक पेंट से हम फर्स्ट बार लेकर के आए हैं। तो अगर आप लोग इस आर्ट को सीखना चाहते हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं, फीस अभी ज़्यादा नहीं है। ये सर, आप कौन सा क्लियर वार्निश इस्तेमाल करते हैं वो दिखा दीजिए। दिखा देते हैं, रुक जाइए एक बार, तब तक आप लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए। कहाँ है भाई क्लियर वार्निश? ये भाई, ये कंपनी है एशियन पेंट। ओके ना, एशियन पेंट का ये है टचवुड। ओके, इसको टचवुड बोलते हैं, बट है ये वार्निश है, यहाँ पे वार्निश भी लिखा हुआ है। ये देखिए, यहाँ पे वार्निश भी लिखा हुआ है। एक बार हम यहाँ पे फोकस करते हैं, देख सकते हैं कि वार्निश भी लिखा हुआ है। तो ये हुआ एशियन पेंट का। अब आते हैं बर्जर का, ये भी है, ये आता है वुड कीपर के नाम से आता है। ओके, अलग अलग कंपनियाँ हैं ना, अलग अलग नाम से बेचती है, बट है वही चीज़। ये वुड कीपर है और ये है टचवुड है ना, ये भी वार्निश है, इसमें भी कहीं वार्निश ये लिखा होगा, है वही चीज़। ठीक, ये देखिए, यहाँ पे भी इंटीरियर एंड एक्सटीरियर 1KPU
इसमें भी आ रहा है वुड कीपर 1KPU, ठीक है। तो आप किसी भी कंपनी का ले सकते हैं वार्निश, चाहे वो एशियन का हो, चाहे बर्जर का हो, चाहे डुलक्स का हो, चाहे नेरोलैक का हो, चाहे शालीमार का हो, चाहे निप्पो का हो, ओके। किसी भी कंपनी का आप ले करके इस्तेमाल आप कर सकते हैं, ओके। अब ये मत भूलिएगा कि सर इसका फोटो भेज दीजिए, ओके। ये हम यहाँ पे पेंट को लगा रहे हैं। अब यहाँ पे है ना, जो कलर हम लगाएंगे ना वो अब ज़्यादा उभर के आएगा। अगर इसको हम चाहते तो ऐसे भी इसको छोड़ देते कि चलो बालू वाला ही ऐसे अच्छा लग रहा है ना। पिंकी जी आ गई हैं, और इस पेंटिंग को हम जल्दी से जल्दी कलरिंग करके ख़त्म करेंगे, ओके। जल्दी से जल्दी अभी इस वो, ताकि आप लोग के लिए नया आर्ट हम लेकर के आए। तो अगर आप लोग को एक्रीलिक पेंट अगर सीखना है, एक्रीलिक पेंटिंग बनाते कैसे हैं, खास करके पोर्ट्रेट, तो आप हमारी इस मॉडल वाली क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा आर्ट है। रंजना जी वेलकम। इस महीना में और अगले महीना में आप लोग का त्यौहार ही त्यौहार है ना। नीलू जी वेलकम। ये देखिए अच्छा से ही पेंट हो गया है, देखिए कुछ ऐसा हो रहा है, बिल्कुल वाइट नहीं है। हाँ, काम अभी से चालू हो गया है त्यौहार का। हाँ ये तो है ना। अब खास करके दिवाली के टाइम में लोग अपने घर को मरम्मत करवाते हैं, है ना, पेंट करते हैं, साफ करते हैं। मोनिका जी आप एक बार इसको बनते हुए देखिए, ओके ना, इसकी कलरिंग होते हुए देखिए, एकदम आपको भी लगेगा कि हाँ अद्भुत पेंट हुआ है, ओके, अद्भुत। अगर हम वाइट इस पे पेंट कर रहे हैं तो कुछ हम सोच के कर रहे हैं, ओके, अच्छा पेंट होगा। अगर इस पेंटिंग में अगर आपको बिल्कुल कलर आपको नहीं करना है तो आप इसको ऐसे भी छोड़ सकते हैं, इस पर कलर करने की आवश्यकता नहीं है, ऐसे भी, ओके। जो लोग नए जुड़े हैं कृपया करके एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के पास, अपने जानने वालों के पास, और ग्रुप में भी शेयर कर दीजिए, ओके। नीलू जी आप बनाना स्टार्ट तो कीजिए, वीडियो तो अभी है एक डेढ़ महीना तक वीडियो रहेगी।
हाँ, अभी भी नेचुरल लग रहा है सर। क्या लगा रहे हैं? फाल्गुनी जी बोल रही हैं, हम इसके ऊपर में व्हाइट एमल्सन पेंट लगा रहे हैं। ओके, बिल्कुल ही पतला करके। ओके, हाँ उसमें मैंने पानी डाला है। होता है क्या है, फालू इनका क्वेश्चन क्या है? रंजना जी, रंजना शुक्ला जी बोल रही हैं कि ये तो पहले ही नेचुरल लग रही थी, है ना। होता क्या है कि ये आपको लग रहा है, हमको लग रहा है। ओके, बट बहुत से ऐसे लोग हैं देखने वाले, वो इसमें एक कलर ढूंढते हैं कि इसमें कलर होना चाहिए। ओके, तो हम वो भी करेंगे। इसमें क्या है कि पेंट पतला है, बस पेंट को ऐसे रख देना है। ओके ना, ये अपने आप अंदर जो गैप है ना उसके अंदर में ये चला जाएगा। बट याद रहे कि पेंट बिल्कुल पतला होना चाहिए, गाढ़ा नहीं होना चाहिए, नहीं तो अंदर तक नहीं जाएगा। आइडिया कहाँ से लाते हैं आप लोग के लिए, ले आते हैं कि चलो ये भी सिखा दो, ये भी सिखा दो, ये भी सिखा दो। ये नीलू जी, आप कुछ भी नहीं लगाएंगे तो भी अच्छा लगेगा। ओके, ये देखिए एक कोट मैंने किया है बट ये बिल्कुल वाइट आया नहीं है, और वाइट हमको करना भी नहीं है। बस इसको एक बार हमको पेंट करना था, मैंने कर दिया। सर ये कौन सी संस है? हाँ एक्रीलिक भी लगा दीजिए, एक्रीलिक भी लगा दे दीजिए। तो ये जी हमारा ये बैकग्राउंड पेंट वाइट हो गया है। अब इसके लिए हम एक कलरिंग करने के लिए एक बार और हम लाइव आएंगे रात को, ठीक है। रात को आकर के लाइव इसकी कलरिंग करेंगे। ओके, रंग वाला ये देखिए, हमने ऑयल कलर निकाल के रखे हुए हैं, ये हमने प्लेट बना के रखे हुए हैं, ये भी देखिए ये सब ऑयल कलर है, ठीक रखे हुए हैं। स्क्रीनशॉट वो लेना क्या है, ग्रुप में हमने डाल रखा है, ग्रुप में हमने इसके वाले में डाल रखा है। ओके, अब बाकी स्क्रीनशॉट वो लेना है तो ले लीजिए। चलिए ले लिए। अनीता जी, इसका ड्राइंग हमने डाल रखा है अपने पेज पे। ओके ना, एक 1.5 महीना की पहले वाले हमारे पोस्ट अगर आप देखेंगे तो उसमें आपको। अनीता जी क्या बोल रहे हैं, सर इसकी ड्राइंग कैसे अवेलेबल होगी? अनीता जी आप एसके आर्ट पॉइंट हमारा जो ग्रुप है ना वो ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आपको इसका ड्राइंग मिल जाएगा। और नहीं भी ड्राइंग अगर आपको मिलता है तो आप हमारे नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिए। ओके,
हमारे यहाँ पे नंबर स्टूडेंट लोग लिख देंगे, ओके, उस पे आप व्हाट्सएप पे कीजिएगा ना, तो हम आपको भेज देंगे, ओके। क्या बोल रहे हैं सर, अभी वाइट, हाँ ये हमने ये डाला है, ये देखिए एमल्सन, ओके, एमल्सन पेंट हमने डाला है, नेरोलैक कंपनी का ब्यूटी गोल्ड इसका प्रोडक्ट का नाम है, ओके। ये देखिए हमारा यहाँ पर नंबर डाल रहे हैं, ठीक है, आपको ड्राइंग मिल जाएगा, आराम से बनाइएगा। और एक बार और आप लोग को बताना हम चाहते हैं कि ये अभी हम एक्रिलिक पेंट में ये वाला क्लास हम लेकर के आ रहे हैं, ओके ना, ये वाला एक्रिलिक पेंट में, ठीक, ये मॉडल का पोर्ट्रेट बनाना हम आप लोग को सिखाने वाले हैं, ओके, एक्रिलिक पेंट से। मंडे से इसकी क्लास लाइव होगी, अगर आप लोग ज्वाइन होना चाहते हैं तो ज्वाइन हो सकते हैं। और इससे पहले वाली ये हमारी क्लास थी, ये देखिए इससे पहले हम ये सिखाए थे, ये वही है जो मैंने सिखाया है, ये ओरिजिनल वाला है, ओके, इंटरनेट वाला फ़ोटो नहीं है, ये मैंने जो बनाया है वो फ़ोटो है, ओके। तो अच्छा आप लोग को सीखने के लिए मिलेगा, ओके, तो फिर ठीक है ना सर, इस टेक्निक से और क्या बना सकते हैं? अरुणिमा जी, आप इस वाले टेक्निक से, ये जो सेंड वाला है ना, अब हमने आपको तरीका बता दिया है कि बनाते कैसे, अब इसको को कैसे अब आपको बनाना है वो आपको देख लेना है, ओके। अब ये देखेंगे कि ये कहीं कहीं से ये ज़्यादा गीला है, ओके ना, ठीक है, तो इसको थोड़ा सा सूखने में वक्त लगेगा। तो रात को लाइव आकर के हम इसको बनाने वाले हैं, ये देखिए ये अभी भी ये बिल्कुल वाइट नहीं है, तो हमको ये इसको ज़्यादा वाइट करना भी नहीं है, बस हल्का सा हमको वाइट करना था, मैंने इसको बना दिया, ठीक है, अब इस पर ज़्यादा रंग नहीं डालेंगे, ठीक है ना। अच्छा, तो हम मिलते हैं रात वाले क्लास में इसकी कलरिंग करते हुए, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।